आज हम बना रहे हैं पनीर कुरकुरे। उसके लिए हमने पनीर लिया है, पनीर के हम पीस काट लेंगे। आप कोई सा भी पनीर ले सकते हैं। हमने ये पनीर निकाल लिया है, अब इसके हम पीस काटेंगे इस तरह से। हमें लंबे लंबे पीस काटना है, तो हम इसके इस तरह से दो भाग करेंगे। इस तरह से हमने पीस काट लिए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे पीस निकाल लिए हैं। अब इनमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक मैरिनेट करने के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हमें इनको मैरिनेट करना है, इसलिए हम साइज़ इसमें डाल रहे हैं। अब इनको हम अच्छे से कोटिंग कर दें। अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं ये खाने में। बहुत प्रकार पकौड़े खाए होंगे आपने, लेकिन अगर आप इस तरह से पनीर कुरकुरे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। के लिए रख दिया है। अब हम बेसन लेंगे। बेसन में हमने नमक डाला है, हल्दी डाला है, और इसका अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे इस तरह से। थोड़ा और पानी डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं चम्मच के पीछे इस तरह से इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है हमने। तो हमने ये पेस्ट रेडी कर लिया है बेसन का, और हमने ये पनीर लिया है, इसको भी मैरिनेट किया है हमने, और ये हमने ब्रेड क्रम्स लिया है। तो हम एक एक करके इसमें डालेंगे बेसन के घोल हमने, और इसको इस तरह से हम रखते जाएंगे। इस तरह से हम ये हमने रेडी कर लिए हैं बेसन के घोल में। अब हम कढ़ाई गरम करेंगे। अब हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गरम होने लगा है। अब हम ये ब्रेड क्रम्स में एक एक पीस इस तरह से इसमें डीप करके और हम फ्राई करेंगे। इस तरह से ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करेंगे हम, हल्के हाथों से ही फोल्ड करना है। और इस तरह से इसमें हम
देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पनीर कुरकुरे रेडी हैं। आप इन्हें टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।